हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एंड एससीएफ का पार्ट टू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसका पार्ट वन अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है यदि व्यंजकों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का महत्तम समापवर्तक एक्स प्लस 2 है तो ए का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमसे यहाँ पे ए का मान पूछा है। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, वहाँ पे हमसे के का मान पूछा था। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने डायरेक्ट प्लस 2 मतलब कुछ भी वैल्यू दी रहती थी, हम डायरेक्ट प्लस में वैल्यू को रखकर सॉल्व कर लेते थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे ए का मान पूछा है। तो फ्रेंड्स, ए का मान पूछा है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स प्लस 2 है, ये एक्स प्लस 2 है तो इन दिए हुए व्यंजकों का क्या है फ्रेंड्स, ये मासा है, ये दिए हुए व्यंजकों का मासा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एक्स प्लस 2 होगा फ्रेंड्स, ये व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का एक गुणनखंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक गुणनखंड है तो फ्रेंड्स हमारा हो क्या जाएगा, तो हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 2। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे, तो फ्रेंड्स x की वैल्यू को रखेंगे हम माइनस 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि x बराबर माइनस 2 रखने पर फ्रेंड्स किस व्यंजक में रखेंगे, व्यंजक हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, इसमें हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने माइनस 2 रख दिया तो फ्रेंड्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। और फिर उसके बाद माइनस है हमारा, हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। फिर उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू को माइनस 2 रखा तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने माइनस 2 लिख दिया। उसके बाद माइनस ए हमें दिया हुआ है और बराबर के क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, बराबर के हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया हमारा और प्लस 2 हो गया और माइनस ए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, तो फ्रेंड्स 4 प्लस 2 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 माइनस ए बराबर 0 हो गया। तो फ्रेंड्स, जब 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए बराबर हमारी वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, ए की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में चेक करते हैं कि ए की वैल्यू 6 कहाँ पे दी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक, और उनका लघुत्तम समापवर्ती 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 120 है तथा उन संख्याओं का योग क्या होगा, हमसे योग पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमें अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं यही हमारी संख्याएं हैं, तो माना संख्याएं हमारी क्या हो गई, 3x और 4x, कितनी हो गई, 3x और 4x है। तो हमने संख्याओं को क्या मान लिया, सबसे पहले हमने संख्याओं को क्या माना, 3x एंड 4x, हमने संख्याओं को मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमने क्या करना फ्रेंड्स, हमने 3x और 4x का क्या निकाल लिया, लघुत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स जब हम 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, ऐसे देख सकते हैं आप, 3 और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को ऐसे ही रहने देंगे, दो दूनी 4 हो जाएगा हमारा जेम। फ्रेंड्स मैं आपको किनारे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 3 और 4 का एलसीएम निकाल के। तो फ्रेंड्स 3 और 4 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स 2 से 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद 2 से 3 तो हमारा कटेगा नहीं, 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, और 3 से 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम ये तो एक एक ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों को 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3x और 4x का एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, हमारा आ गया 12। और फ्रेंड्स x तो है तो x भी हमारा रहेगा, तो फ्रेंड्स एलसीएम कितना आ गया, 12x आ गया। फ्रेंड्स अब चलिए क्वेश्चन के अनुसार हमको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एलसीएम कितना मिला, एलसीएम में 12x मिला है। और फ्रेंड्स और यहाँ पे एलसीएम हमें दिया कितना हुआ है, 120। तो फ्रेंड्स 12x बराबर हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12x बराबर हमारा हो जाएगा 120। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू हमें 10 मिल चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम रख देते हैं, हमने संख्याएं क्या मानी थी, संख्याएं हमने मानी है 3x और 4x, तो इसी x में हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू हमारी कितनी आई, x की वैल्यू हमारी आई है 10। तो फ्रेंड्स
थ्री एक्स संख्या है हमारी और 4x, तो फ्रेंड्स 3, 3 तो यहाँ पे है और x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। तो फ्रेंड्स 10 पुट कर देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये 30 हो गया। उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमें दिया 4x। तो फ्रेंड्स 4 में और x की वैल्यू 10 आई है, x की वैल्यू 10 लिख देते हैं, बराबर कितने आ जाएगा हमारा, बराबर आ जाएगा हमारा 40। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3 × 10 और 4 × 10, तो 30 और 40 ये क्या हमारी हो गई, ये हमारी संख्याएं हो गई। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, फ्रेंड्स जो हमारी 30 और 40 ये आया, फ्रेंड्स इन संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अतः संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 + 40 दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 70। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं, 70 हमें कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको सबसे पहले यहाँ पे संख्याएं माननी थी, 3:4 के अनुपात में दिया हुआ था, तो हमने संख्या 3x और 4x मान ली। फ्रेंड्स उसके बाद हमने क्या किया, 3 और 4x का एलसीएम निकाला, 3 और 4x का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम हमारा कितना है, 12x आ गया, 12x हमारा एलसीएम आ गया। और फ्रेंड्स लघुत्तम समापवर्ती यहाँ पे दिया हुआ है 120, तो फ्रेंड्स 12x बराबर हमने क्या कर लिया, 12x बराबर हमने 120 कर लिया और x की वैल्यू को निकाल लिया। और x की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमने जो संख्याएं मानी थी उन्हीं में वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया, फ्रेंड्स वैल्यू को पुट करके उसके बाद हमने संख्याओं को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 70 यानी 70। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट वन में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि 3/4, 5/6 तथा 5/8 का मासा क्या होगा। तो फ्रेंड्स मासा पूछा है और फ्रेंड्स ये फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन, बस आप देखिए कैसे में इसको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है 3/4, 5/6 और 5/8 का मासा पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स भिन्नों का मासा बराबर हमारा होता क्या है, तो भिन्नों का मासा बराबर हमारा होता है जो हमें अंश में दिया होता है, जो अंश में हमारी दी संख्याएं हैं 3, 5 और 5। फ्रेंड्स अंशों का मासा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, अंशों का मासा अपॉन हरों का लघुत्तम समापवर्तक, यानी क्या होता है फ्रेंड्स, एलसीएम होता है। तो फ्रेंड्स अंश का हम क्या निकालेंगे, अंशों का हम निकालेंगे मासा, क्या निकालेंगे, अंश का हम निकालेंगे मासा निकालेंगे, ठीक है। और जो हमें हर में दिया हुआ उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्ती लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अंश में हमें क्या दिया हुआ, 3, 5 और 5 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 3, 5 और 5 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, और वो भी किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, क्योंकि डिवीजन मेथड हमारा बहुत ईजी होता है, इससे हमारा आंसर करेक्ट आता है, कभी गलत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ, 3, 5 और 5। तो फ्रेंड्स इन तीनों में सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या हमारी 3 है। तो फ्रेंड्स इसी 3 से हम सबसे पहले 5 को डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 3 से 5 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। फ्रेंड्स जो हमारा 3 यहाँ पे भाजक में दिया हुआ है, ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 3 हमने यहाँ पे ले आया, ये हमें भाजक में दिया हुआ है। फ्रेंड्स फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 × 1 जो हमारा शेषफल बचा था, अब इसी से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 × 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ भाजक में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर इस 2 को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 3 में से 2 घटाने पर हमारा शेषफल 1 आया था, फ्रेंड्स इसी से अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अंतिम भाजक का मान यहाँ पे क्या आया, तो फ्रेंड्स अंतिम भाजक का मान यहाँ पे हमारा 1 आया है। और फ्रेंड्स पूरा यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, शेषफल हमारा 0 बचा हुआ है नीचे। तो फ्रेंड्स इस जो हमारा 1 यहाँ पे आया, अब इस 1 से हम जो बचा हुआ 5 है इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने 3 और 5 का मासा भी निकाला है, एक संख्या तो हमारी 5 बची हुई है। तो फ्रेंड्स अब इस 5 को किससे डिवाइड करेंगे, जो लास्ट में हमारा भाजक में यहाँ पे आया हुआ है, कितना आया, ये हमें 1 आया है, इसी 1 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिवाइड हो गया, शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो फ्रेंड्स अंतिम भाजक का मान हमारा क्या होता है, ये हमारा मासा होता है। फ्रेंड्स जब मैंने आपको ये डिवीजन मेथड बताया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो फ्रेंड्स मासा हमारा इसका कितना आ गया, अंतिम भाजक का मान हमारा 1 है, तो मासा हमारा कितना आ गया, मासा हमारा 1 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, मासा हमारा कितना है, तो फ्रेंड्स अंशों का मासा हमारा 1 आ चुका है। फ्रेंड्स अब हमें क्या निकालना है, 4, 6 और 8 का, यानी हर का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती। तो चलिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम निकालते हैं, 4, 6 और 8 का। तो फ्रेंड्स 4, 6, 8 का हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स बहुत ईजी है, सबसे पहले हमने 4, 6 और 8 यहाँ पे लिख लिया और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स 2×2 = 4 हो जाएगा, 2×3 = 6 और 2×4 = 8। उसके बाद फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2×2 होगा, 3 तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, 3 तो ऐसे हम नोट डाउन कर देंगे, और 2×2 = 4 हमारा 4 हो गया। उसके बाद फिर हमने 2 से किया, 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा और 3 हमारा डिवाइड नहीं होगा, 2×2 हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट में हमारा 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3×3 देखिए फ्रेंड्स 3, 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, उसके बाद हमारा 3×3
और वन तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अभी पूरा डिवाइड हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 8 और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 24। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को भी हम पुट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिया है, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 24, क्योंकि फ्रेंड्स हमने एलसीएम कितना निकाला हुआ है, एलसीएम हमने निकाला हुआ है 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 24 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो फ्रेंड्स अंशों का मासा हमारा 1 आया था और जो हरों का हमारा लघुत्तम समापवर्तक है कितना आया है, 24 आया है। तो फ्रेंड्स 1/24 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं 1/24 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी 1/24 ये करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। विद इन आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन दिखने में चाहे जितना बड़ा लग रहा हो फ्रेंड्स, 10 सेकंड के अंदर यानी 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछा हमसे, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 15। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, बस मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। फ्रेंड्स जो हमारा अनुपात दिया इसी से हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ना एक्स मानना है ना वाई, कुछ नहीं मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना, फ्रेंड्स ये देखिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये हमारा संख्याओं का योग का होता है। फ्रेंड्स संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा, संख्याओं का योग पूछा है, पूछा है तो दोस्त संख्याओं का योग क्या होगा, पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स दो संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है हमारा संख्याओं का योग का बराबर हमारा क्या हो जाएगा, संख्याओं के अनुपात का योग और गुणे संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। फ्रेंड्स क्या लिखा हो, संख्याओं के अनुपात का योग। तो फ्रेंड्स अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ, 3:4 दिया। फ्रेंड्स सबसे पहले 3 लिखा फिर उसके बाद 4। तो फ्रेंड्स 3:4 हमें क्या दिया हुआ है, इसका संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे क्या कह रहा है, संख्याओं के अनुपात का योग। तो फ्रेंड्स 3:4 दिया, 3 और 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 आ गया। फिर गुणे लिखा हुआ है संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, गुणे महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 7 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कितनी इजी वे पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपके बता देता हूँ। फ्रेंड्स हमसे यहाँ पूछा था 2 संख्याओं का योग क्या होगा, क्वेश्चन था कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15, तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला होता है संख्याओं के योग का, संख्याओं के योग का एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा, ये होता है संख्याओं के अनुपात का योग, संख्याओं के अनुपात का योग गुणे संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4 का, जैसा फ्रेंड्स आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा 3:4 हमें दिया हुआ था हमने इसको ऐड कर लिया, क्योंकि संख्याओं के अनुपातों का योग फॉर्मूले में है। तो फ्रेंड्स 3 और +4 यहाँ पे हमने लिख दिया, और फिर गुणे में संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमें 15 दिया हुआ था, तो 4 और 3 को ऐड किया 7 आ गया, और फिर गुणे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 105। तो फ्रेंड्स कितनी इजी वे पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आपको ना एक्स मानने की जरूरत है ना वाई मानने की जरूरत है, सीधे सीधे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स आंसर कितना आ गया, फ्रेंड्स हमारा आ गया आंसर 105, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना इजी था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपसे कभी भी 2 संख्याओं का योग पूछे महत्तम समापवर्तक देके, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, संख्याओं के योग का फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारा लगेगा संख्याओं के योग का संख्याओं के अनुपात का योग हो जाएगा और संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी 105। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, पार्ट वन में भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन हमसे रिपीट होता है, बार बार पूछता है। फ्रेंड्स बस संख्याएं यहाँ पे बदली जाती हैं। फ्रेंड्स हमसे पूछा कि किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो हमारा दिया हुआ है 4, 6, 8 और 14, तो फ्रेंड्स इसका हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स ये हमें सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम 4, 6, 8 और 14 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे नोट कर लिया है 4, 6, 8 और 14। फ्रेंड्स सबसे पहले हम छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8 और 2 7 40 हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी भी इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 3 तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, 3 हम ऐसे नोट डाउन कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा और 7 हमारा होगा नहीं, 7 को ऐसे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 7 को हमने ऐसे नोट डाउन कर दिया। फिर अभी हम 2 से करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 3 तो हमारा होगा नहीं, 2 1 2 यहाँ पे हो जाएगा और 7 होगा नहीं, 7 को हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 7 से किससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स 3 1 ज़ा, तो फ्रेंड्स 1 तो हमारा ऐसे रहेगा, ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, फिर 1 तो 1 हमारा ऐसे रहेगा और 7 हमारा 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो फ्रेंड्स अब हमारे लास्ट में क्या बचा हुआ, केवल 7 बचा हुआ है, सब हमारे 1 1 1 हो चुके, केवल 7 बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7, 1 तो हमारा ऐसे रहेगा, ये भी 1 हमारा ऐसे रहेगा, ये भी हमारा 1 रहेगा और 7 1 ज़ा ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब तो हमारा पूरा डिवाइड हो चुका है, लास्ट में हमारा पूरा 1 1 1 1 आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, फ्रेंड्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा कितना होता है, 24 होता है, 24 की मल्टीप्लाई 7 में करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 7 ज़ा कितना होता है हमारा, 168 होता है, 168 होता है। फ्रेंड्स इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 168 आ गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ था 4, 6, 8 और 14, ये सेकंड में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स एलसीएम हमारा कितना आया है, एलसीएम हमारा आया हुआ है 168। तो फ्रेंड्स 168 लेकिन सेकंड हम आगे लगा देंगे क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हमें सेकंड में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 168, ठीक है फ्रेंड्स, तो 168 को हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स मिनट में चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स 168 सेकंड दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको अलग अलग कर लें, 120 कर लें, 120 और प्लस इसको 48 में तोड़ दें, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स ये जो 48 है इसको तो हम मिनट में बदलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स 120 सेकंड में हमारे कितने मिनट होते हैं, तो फ्रेंड्स 1 मिनट बराबर हमारा 60 सेकंड होता है, तो 120 कितना हो जाएगा, 120 में हमारे कितने मिनट हो जाएंगे फ्रेंड्स, हो जाएंगे 2 मिनट, 2 मिनट हो जाएंगे और ये 48 सेकंड को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 2 मिनट हमारा ये हो गया और प्लस जो 48 हमारा सेकंड में बचा हुआ है, 48 सेकंड हो जाएगा, तो 2 मिनट 48 सेकंड। तो फ्रेंड्स हमने इसको मिनट में चेंज कर लिया है और चेंज करने पर कितना आ गया, 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ, फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बसती हैं, वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती, कितने बजे, 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं, तो फिर किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी, तो 12 बजे तो इकट्ठी बज ही रही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 12 बजे, तो फ्रेंड्स 12 को लिखेंगे और फ्रेंड्स हमारा सॉल्व करने पर हमने मिनट में चेंज किया था, कितना आया था, 2 मिनट 48 सेकंड आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, इसी में ऐड कर देंगे, तो फ्रेंड्स 12 बजकर कितना हो जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड। तो फ्रेंड्स 12 बजे तो घंटियां 7 में बजी रही है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और प्लस जो हमने निकाला हुआ है 2 मिनट 48 सेकंड, इसी में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर घंटियां पुनः इकट्ठा बजेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड कहां दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर पुनः घंटियां हमारी 7 में बजेंगी। तो फ्रेंड्स एक सजेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चैप्टर में कई क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमसे पूछा है भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। फ्रेंड्स क्या पूछा है, व्युत्क्रम, तो फ्रेंड्स व्युत्क्रम आप सबको पता होगा, व्युत्क्रम मतलब हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है हमारा उल्टा, क्या होता है फ्रेंड्स, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो फ्रेंड्स इसका हम क्या कर देंगे, इसको हम पलट देंगे, भिन्न को क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी इसका उल्टा कर देंगे, यानी जैसे आपसे पूछा जाए कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका व्युत्क्रम हमारा 4/3 हो जाएगा, जो हर है वो अंश में आ जाएगा, जो अंश है वो हर में चला जाएगा, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना रहता, उलट देना होता है, तो फ्रेंड्स व्युत्क्रम इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले तो आप परेशान हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले भिन्न का व्युत्क्रम लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, भिन्न का व्युत्क्रम लिखेंगे। फ्रेंड्स भिन्न हमें 3/4, 9/10 और 15/16 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका व्युत्क्रम लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसी का उल्टा, तो जैसे 3/4 दिया हुआ ये हमारा हो जाएगा 4/3, क्योंकि फ्रेंड्स पलट देंगे उसको, और 9/10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, और 15/16 का व्युत्क्रम 16/15 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इसका व्युत्क्रम अब कर लिया है, तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमें इनका मासा निकालना है, क्या निकालना है, तो फ्रेंड्स मासा निकालना, और ये कैसे फ्रेंड्स, ये हमारे साथ फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। तो फ्रेंड्स भिन्न 4/3, 10/9 और 16/15 का मासा, फ्रेंड्स हमने इसका व्युत्क्रम
कर दिया यानी उसको उलट दिया है भिन्न को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए इसको फॉर्मूला तो पता ही होगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला मैंने अभी आपको अभी अभी बताया, कल पार्ट वन में भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमारे अंश में 4, 10 और 16 दिए हैं इनका क्या निकालेंगे, इनका हम मासा निकालेंगे, और 3, 9 और 15 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तनी निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम चलिए 4, 10 और 16 का क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, इनका मासा निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 4, 10 और 16 में सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, सबसे छोटी संख्या 4 है। फ्रेंड्स 4 से सबसे पहले हम 10 को डिवाइड करेंगे, किसको, 10 को। तो फ्रेंड्स डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 दिया हुआ है, फ्रेंड्स 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा शेषफल है अब इसी से हम इसको भाग देंगे, किसको, जो फ्रेंड्स ऊपर हमारा दिया हुआ है भाजक में, तो ये हमारा आ जाएगा नीचे, ये नीचे आ जाएगा, और फ्रेंड्स जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंतिम भाजक का मान कितना आया, यहाँ पे अंतिम भाजक का मान यहाँ पे हमारा 2 आया है, क्या आया है, 2 आया है। अब इसी 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने 4 और 10 का ही तो मासा निकाला, अभी एक संख्या 16 हमारी बची हुई है। फ्रेंड्स 16 को किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा अंतिम भाजक का मान है यहाँ पे क्या है, 2 आया, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 60 हो जाएगा, और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अंतिम भाजक का मान यहाँ हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मासा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स 4, 10 और 16 का मासा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स 2 आ गया। फ्रेंड्स अब हमें 3, 9 और 15 का क्या निकालना है फ्रेंड्स, एलसीएम निकालना है। तो चलिए इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स 3, 9 और 15 का। तो फ्रेंड्स इसका हम लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 3, 9 और 15 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स 3 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 50 हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी भी इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 तो हमारा ऐसे रहेगा 3 1 3, और 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 5 तो ऐसे लिख देंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पे केवल 5 बचा हुआ और सब हमारे 1 1 हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स अब 5 से डिवाइड करेंगे, 1 वैसे ही रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 5 1 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 और 9 5 कितना होता है, 45 होता है। तो फ्रेंड्स एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम हमारा आ गया 45। तो चलिए फ्रेंड्स एलसीएम की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स 45। तो हमने यहाँ 3, 9 और 15 का एलसीएम कितना निकाला, 45 निकाला, और मासा यानी एचसीएफ कितना निकाला था, 2 निकाला था। तो फ्रेंड्स वैल्यू को पुट किया 2/45, तो फ्रेंड्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2/45 कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी यानी 2/45 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहाँ पे आपसे व्युत्क्रम पूछा जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बहुत ईजी होता है, बस आपको भिन्न उल्टा कर देना होता है, यानी पलट देना होता है। जैसे 3/4 है, हम इसको क्या लिख देंगे, 4/3, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, और फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन आपको बड़ा लिखा हुआ है, आप इसके लिखने पर मत जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बड़ा लिखने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन हमारा इजी ही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की, उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए, तदनुसार वे पुनः पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल जाएंगे। क्या पूछा है फ्रेंड्स, तदनुसार वे पुनः पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 और 450 सेकेंड, इनका क्या करना, इनका हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, इनका हमें एलसीएम लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया हुआ, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे 200, 300, 360 और 450, इन्हीं का एलसीएम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो 2 1 2 हो जाएगा, और 0 0 ऐसे लिख देंगे 100 हो गया, 300 लिखा है 2 1 2, 2 5 10, 0 150 हो गया, फिर 2 1 2, 2 8 60 और 0 180 हो गया, और 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, यानी 225 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स फिर 2 से करेंगे, 100 में करेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है, 150 में करेंगे तो 2 7 40 होता है, एक उधर जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 2 9 80 हो जाएगा, 0 यानी 90 हो गया यहाँ पे, और 225 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं, फिर हम 2 से करेंगे, 50 लिखा है, 2 2 4, 2 5 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 75 हमारा डिवाइड नहीं होगा 2 से, 2 4 जाए, 2 5 10, ये 45 हो गया, और 225 हमारा 2 से डिवाइड होता नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 25 तो होगा नहीं हमारा डिवाइड, 75 हमारा हो जाएगा, 3 2 6 और 3 5 50 हो जाएगा, यानी 25 आ जाएगा, फिर ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा 45, 3 1 3, 3 5 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 7 20 और 3 5 15 हो जाएगा, तो फिर ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 3 से हमारा ये डिवाइड हो गया।
फ्रेंड्स अभी भी हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 25 तो हमारा 25 रहेगा, 25 ये भी नहीं होगा डिवाइड 3 से, ये तो 3 से हमारा डिवाइड होता नहीं है। फिर उसके बाद 15 दिया होता है, 3 5 ज़ा 50 और 75 भी हमारा हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 50। तो फ्रेंड्स 3 से यहाँ पे हमारे सब डिवाइड हो चुके हैं। अब बचा क्या हमारा 25 25 5 और 25। तो फ्रेंड्स अब ये 3 से डिवाइड होंगे नहीं, अब हमारे 5 से होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 5 ज़ा 25 हो गया, ठीक है, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 हो गया और 5 5 ज़ा 25 हो गया। फ्रेंड्स अब हमारे केवल 5 5 5 बचे हुए हैं, तो फ्रेंड्स 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 1 5 5 1 हमारा ऐसे रहेगा 5 1 5। तो फ्रेंड्स पूरा हमारा डिवाइड हो चुका है। फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना, फ्रेंड्स अब इन सबकी हमें मल्टीप्लाई करवानी है, जो हमारा दिया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, इन सबकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1800। मल्टीप्लाई करवाने पर हमारा कितना आ जाएगा 1800। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, यहाँ से हमें सेकंड में सब दिया हुआ है, 450 सेकंड, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 307 सेकंड। तो कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया 1800। लेकिन फ्रेंड्स 1800 क्या, 1800 सेकंड, 1800 सेकंड। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड है यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अच्छा, अतः चारों धावक 1800 सेकंड बाद पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कितने सेकंड के बाद, 1800 सेकंड के बाद, जो हमारा एलसीएम आया 1800, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं, 1800 सेकंड कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1800 सेकंड। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ था, बस आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार संख्याएं दी हुई हैं, तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। जो फ्रेंड्स हमारा एलसीएम निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सब सेकंड में दिए थे, एलसीएम निकालने पर हमारा 1800 आया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड में दिया, तो हमने यहाँ पे सेकंड सेकंड लिख दिया, तो 1800 सेकंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फ्रेंड्स व्यंजक एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 तथा एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मासा क्या होगा, हमसे क्या पूछा, इसका महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर करना आना चाहिए, अगर आपको फैक्टर करना आता है, इनका गुणनखंड आप कर लेते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पहला व्यंजक हमें क्या दिया, पहला व्यंजक हमें दिया हुआ है एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, फ्रेंड्स एक्स की पावर 4, तो फ्रेंड्स क्या करना, फ्रेंड्स सबसे पहले 4 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, तभी तो हमें 3 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हमारा 4 एक्स की पावर 4 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी हमें करना है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, फैक्टर करना आपको आता ही होगा, जहाँ तक मुझे मालूम है आपको फैक्टर करना तो जरूर आता होगा। तो फ्रेंड्स एक्स टू पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 किया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने पर हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारा इसका फैक्टर क्या आ गया, इसका फैक्टर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका क्या आ गया, ये इसका हमारा फैक्टर आ गया, यानी इसका गुणनखंड आ गया। तो फ्रेंड्स हमने जब इसका गुणनखंड किया, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड कितना आया, गुणनखंड हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर फ्रेंड्स आपको फैक्टर करना नहीं आता तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फैक्टर करना भी सिखा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि फैक्टर कैसे किया जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स फैक्टर करने पर हमारा कितना है, हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका है, ये इसका फैक्टर है, यानी इसका गुणनखंड है। तो फ्रेंड्स इसका गुणनखंड होगा। उसके बाद हमें क्या करना फ्रेंड्स, उसके बाद हमें दूसरे व्यंजक का फैक्टर करना है। दूसरा व्यंजक हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3। फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो फ्रेंड्स जो हमारे फैक्टर आए हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा पहले व्यंजक का फैक्टर है। और दूसरे का हमारा क्या है, दूसरे का हमारा आया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फ्रेंड्स दोनों फैक्टर में हमारा कॉमन क्या है, बस हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स दोनों फैक्टर में जैसा आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी आया है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी आया है। तो फ्रेंड्स जो दोनों फैक्टरों में हमारा कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मासा हो जाएगा, यही हमारा एच सी एफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका एच सी एफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका मासा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक 13 तक सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो फ्रेंड्स वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता, अगर गुणनखंड नहीं करना आता, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप फैक्टर नहीं करना जानते तो फ्रेंड्स आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फैक्टर के ऊपर यानी गुणनखंड के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, आपको फैक्टर करना बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अभी भी हमारा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए, फ्रेंड्स उनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।